अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इसमें डिटेल स्टडी करनी है स्टेम के बारे में। ठीक है, तो स्टेम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। द मेन स्टेम इज द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल। मेन स्टेम हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी एक्सिस होता है। किस चीज का प्राइमरी एक्सिस होता है? प्लांट का। ठीक है, और ये डेवलप कहाँ से होता है? प्लम्यूल से। अब प्लम्यूल क्या है ये सब जानने के लिए आपको हमारी प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो मेन स्टेम है वो पोर्शन ऑफ प्राइमरी एक्सिस है जो डेवलप होता है प्लम्यूल से। फिर हम आते हैं अब शूट पे। तो शूट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द स्टेम बेयरिंग द लीव्स इज टर्म्ड एज शूट। पोर्शन ऑफ स्टेम बेयरिंग लीव्स, स्टेम का वो पार्ट जहां पे लीव्स अराइज होते हों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शूट कहते हैं, इसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं। अब जो भी हमारे पास स्टेम होता है ना, तो स्टेम में हमारे पास जहां से लीव्स अराइज होते हैं, जिस पोर्शन से, जिस रीजन से, ये शूट जो है ये हम उस टाइप के स्टेम को कहते हैं जहां पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अब जिस जगह से लीव अराइज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नोड। नोड इज वर्थ पार्ट ऑफ स्टेम जहां से लीव्स अराइज हों। ठीक है, इंटरनोड क्या है? तो इंटरनोड जो है ये है पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव नोड्स। ठीक, ओके, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम लाइफ के, उनकी कितनी लाइफ होगी, लाइफ की ड्यूरेशन कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास एनुअल। तो एनुअल जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ग्रो करते हैं सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन, विच ग्रो फॉर ओनली वन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन का क्या मतलब है? मतलब इनकी जो लाइफ होगी वो सिर्फ एक ही ईयर होगी, एक ईयर तक ये जिंदा रहेंगे। लाइक अगर आपने इसको इस ईयर के स्प्रिंग में आपने उसको सो किया है, वो उसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, तो नेक्स्ट स्प्रिंग में वो बस फिर खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट इस तरह के जो एनुअल्स जो हमारे पास प्लांट्स हैं ना, इसके एग्जाम्पल में है हमारे पास पॉपी। पॉपी का जो प्लांट होता है, टोमेटो एंड राइस एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये हमारे पास एनुअल प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके, फिर हम आते हैं बाइनियल प्लांट की तरफ। तो बाइनियल से कुछ अंदाजा हुआ आपको कि कौन से प्लांट्स होंगे? बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो बाइनियल जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव फॉर टू ग्रोइंग सीजन, लीव फॉर टू ग्रोइंग सीजन। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दो साल तक जिंदा रहेंगे, और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट सीजन में यानी जो उनका फर्स्ट ईयर होता है उसमें वो अपने लीव्स जो है वो डेवलप करते हैं शॉर्ट स्टेम पे, और अपने ये फूड स्टोर करते हैं रूट्स में। और नेक्स्ट ईयर पर ये क्या करते हैं, क्योंकि दो ग्रोइंग सीजन है, तो एक ग्रोइंग सीजन में इन्होंने क्या किया? लीव्स डेवलप की, शॉर्ट स्टेम डेवलप की और फूड स्टोर किया। नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये क्या करेंगे? इनमें डेवलप होंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इस तरह के प्लांट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। तो हम कहते हैं कि ये दो साल तक जिंदा रहते हैं फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में इनमें डेवलप होंगी लीव्स एंड स्टोर करेंगे फूड को। सेकंड ईयर में ये क्या करेंगे, जो इनका सेकंड ग्रोइंग सीजन होगा उसमें ये फ्लावर्स और फ्रूट्स डेवलप होंगे इनमें, इन प्लांट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मैंने पहले भी बता दिया, एग्जाम्पल है हमारे पास रेडिश, कैरेट, टर्निप। अब हम रूट के चैप्टर में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं रेडिश, कैरेट और टर्निप के बारे में। तो हमने पढ़ा था ना कि उसका जो पार्ट हम खाते हैं रेडिश का, टर्निप का, या जो कैरेट का होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो उसका प्राइमरी रूट होता है या उसका टेप रूट होता है। और वो क्या है? वो टेप रूट की मॉडिफिकेशन है। उनमें ये मॉडिफिकेशन क्यों आई? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। एक्चुअली उन्होंने वो फूड अपने लिए रखा हुआ होता है कि नेक्स्ट सीजन में वो क्या करेंगे? फ्लावर करेंगे, उनसे फ्लावर्स बनेंगी, उनमें फिर फ्रूट्स बनेंगी, और हम क्या कर देते हैं? हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, ओके, तो थर्ड काइंड है, थर्ड क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास जो टाइप है वो है पेरिनियल्स। तो हमने एक साल वाले प्लांट्स को पढ़ लिया जो थे एनुअल्स, हमने दो साल जिनकी ग्रोइंग सीजन होती है उन प्लांट्स को पढ़ लिया जो थे पेरिनियल्स। अब हम पढ़ेंगे पेरिनियल्स। तो पेरिनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव फॉर मेनी ईयर्स, लीव फॉर मेनी ईयर्स, इनके बहुत सारे ग्रोइंग सीजन होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, फॉर मेनी ईयर्स एंड प्रोड्यूस, अच्छा ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी तो ग्रोइंग सीजन तो इनमें बार बार आती है, बहुत ईयर्स तक ये जिंदा रहते हैं, और हर साल ये आपको दोबारा दोबारा से फ्रूट्स भी देते हैं, फ्लावर्स भी देते हैं, और इनमें सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, अगर अभी समझ नहीं आया
तो मज़ीद डिटेल में बता देती हूँ। जैसे हमारे पास है मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट कितने सालों तक जिंदा रहता है? रहता है जिंदा ही रहता है, ठीक है, बहुत सारे सालों तक वो जिंदा रहता है। और उनमें बार बार ईयरली उनमें फ्लावर्स आती हैं, फिर उनसे फ्रूट्स बनते हैं और उनमें सीड्स भी बनते हैं, ठीक है, हर साल वो आपको फ्रूट्स देता है। मैंगो प्लांट भी है, और इस तरह से हमारे पास जो एप्पल के ट्री को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जो बड़े बड़े ट्रीज हैं ना, जितने भी बूढ़ी ट्रीज है जिनकी बूढ़ी स्टेम होती है, वो सारे आते हैं पेरिनियल्स में, ठीक है। ओके, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू साइज, हैबिट ऑफ ग्रोइंग एंड सॉफ्ट एंड वुडी नेचर ऑफ स्टेम। यानी हम ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं कि जो स्टेम है उसकी साइज कितनी होगी, ये जो प्लांट्स होंगे ग्रोइंग हैबिट्स उनके किस तरह से होंगे, किस तरह से ग्रो करेंगे, और ये जो प्लांट्स हैं इनमें स्टेम वुडी नेचर की होगी या फिर ये होगी सॉफ्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास हर्ब्स। हर्ब्स के बारे में, इसके बारे में पता है आपको, व्हाट इज हर्ब? बच्चों एक्चुअली हर्ब्स जो होती हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट स्टेम हो, सॉफ्ट स्टेम, ठीक है, इनमें जो स्टेम होगी वो सॉफ्ट होगी एंड स्मॉल इन साइज, साइज उनका बहुत छोटा होगा, इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। इनमें एनुअल्स भी आ सकते हैं, ऐसे प्लांट्स भी आ सकते हैं जिनका एक ग्रोइंग सीजन हो, ऐसे प्लांट्स भी आ सकते हैं जिनके दो ग्रोइंग सीजन हो, और ऐसे प्लांट्स भी आ सकते हैं जिन जो पेरिनियल हो, कुछ भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन बस उनकी स्टेम सॉफ्ट होनी चाहिए, उनकी स्टेम स्मॉल इन साइज होनी चाहिए, तो बस हम उसको कंसिडर करेंगे हर्ब, ठीक है। इनमें एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल सब आ सकते हैं, नो वरीज। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे देते हैं कि हर्ब्स में आपके पास लेकिन कौन कौन से आएंगे प्लांट्स, जैसे कि है हमारे पास मिंट, मिंट जानते हो, पुदीना, जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक, और हमारे पास है मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है सरसों का प्लांट, और पोपी, अच्छा रेडिश, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हर्ब्स के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों श्रब्स की तरफ। तो श्रब्स क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स होंगे, हर्ब से ये लार्जर होंगे, लार्जर देन हर्ब्स, ठीक है। नेचर में ये बुशी होंगे, बुशी इन नेचर, और क्या होगा इनमें, इनकी जो ब्रांचेस होंगी ना वो ग्राउंड के करीब होंगी, ब्रांचेस जो होती है नियर ग्राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास रोज और जैस्मिन। रोज के प्लांट को देखा है, हर्ब्स में हमने क्या पढ़ा कि ये बहुत ही ये जो हर्ब्स होते हैं ग्राउंड के बहुत मोस्टली उसके साथ चिपके होते हैं, थोड़े से अगर हाइट पे आ भी जाते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते। हमने कहा कि वो साइज में उनकी जो स्टेम होती है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, सॉफ्ट भी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो श्रब्स होते हैं इनकी स्टेम एज कम्पेयर टू हर्ब्स, इनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, वुडी होती है, और थोड़े से ग्राउंड से ऊपर होते हैं। रोज के प्लांट को माइंड में ले आओ कि वो जो होता है कितनी हाइट तक वो ग्राउंड से ऊपर होता है, तो उसी तरह के प्लांट्स को हम श्रब्स कंसिडर करते हैं। जो ट्रीज होते हैं ये भी वुडी प्लांट्स होते हैं, लेकिन टाल टाल वुडी पेरिनियल्स इनमें मोस्टली आते हैं। पेरिनियल्स इनमें मोस्टली क्यों आते हैं? क्योंकि जो आपके पास एनुअल है या बाइनियल प्लांट्स हैं वो बेचारे एक या दो साल में कितना ग्रो करेंगे, लेकिन पेरिनियल्स जो होते हैं इनके पास तो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे साल होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं, टॉल टॉल प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम कंसिडर करते हैं ट्रीज, ठीक है। और इस तरह के जो ट्रीज होते हैं इनमें मेन ट्रंक भी मौजूद होता है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकली होती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मैंगो, एग्जाम्पल है हमारे पास पीपल, एंड एग्जाम्पल है हमारे पास बनियान, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रीज़ की भी फिर मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और स्टेम के बारे में थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने स्टेम की डेफिनेशन को पढ़ा कि जो भी स्टेम होता है वो पोर्शन ऑफ प्राइमरी एक्सिस होता है जो डेवलप होता है प्लम्यूल से। फिर जो शूट होता है वो स्टेम का वो पोर्शन होता है जिस पर बहुत सारी लीव्स अराइज होती हैं। और नोट क्या होता है, ये वो रीजन होता है स्टेम का जहाँ से लीव अराइज होती है, एक्जैक्टली जो पॉइंट होगा जहाँ से लीव अराइज होंगी उसको हम कहते हैं नोड, और दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। फिर हमने कहा कि हम फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ईयर लाइफ, कि वो कितनी सालों तक जिएंगे। तो जो फर्स्ट वन है वो एनुअल है, अगर किसी प्लांट की उम्र एक साल है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको पानी नहीं डालेंगे और एक साल बाद वो मर गया तो बस ये एनुअल है। मतलब ये है बच्चों कि उस
के जैसे प्लांट्स, उसके फैमिली या उसके स्पेशी के सारे प्लांट्स ही ऐसे होंगे कि अगर आप उनको फिर कितना भी अच्छा पानी दे दो, अच्छा खाद दे दो या जो भी करो, सनलाइट भी उनके लिए अवेलेबल हो, टेम्परेचर भी उनके लिए बिल्कुल सुटेबल हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अगले साल नहीं जीना, तो बस वो नहीं जियेंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअल होते हैं, जो कि ग्रो करते हैं सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन के लिए। एग्जाम्पल है पॉपी प्लांट, टोमेटो या राइस। फिर है बाइनियल प्लांट्स, बाइस का मतलब होता है टू, तो इनका 2 सालों तक ये जिंदा रहते हैं। और इनमें जो लीव्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि इनमें लीव्स राइज हो जाती है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए अपने अंदर स्टोर करते हैं फूड को ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर सके। और फिर सेकंड ईयर में या नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं कि इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, फ्रूट प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल है रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। रियल में हमने पढ़ा कि ये जो है बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स हैं, तकरीबन जो वुडी प्लांट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो प्लांट। फिर हमने साइज एंड हैबिट के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की, और जो इनकी स्टेम की नेचर है इधर इट्स वुडी और सॉफ्ट, तो हमने कहा कि हर्ब जो होती है उनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, स्मॉल इन साइज होती है। एनुअल बाइनियल पेरिनियल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से इसमें आएंगे, सब इसमें आ सकते हैं, बस स्टेम उनकी सॉफ्ट और स्मॉल होनी चाहिए। एग्जाम्पल है मिंट, जिंजर, मस्टर्ड, पॉपी एंड रेडिश। फिर हमने कहा श्रब्स, श्रब्स क्या है, वुडी प्लांट्स होते हैं और लार्जर देन हर्ब्स होते हैं, लेकिन ट्रीज से ये छोटे होंगे, ठीक है। श्रब्स जो है ये बीच में आते हैं, हर्ब से बड़े और ट्रीज से छोटे, बुशी इन नेचर होते हैं, बुशी इन नेचर होते हैं और यहाँ के जो ब्रांचेस होंगे इन प्लांट्स के ग्राउंड से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल है रोज और जैस्मिन। फिर हमने लास्ट में पढ़ा ट्रीज के बारे में, ट्रीज भी वुडी पेरिनियल्स होते हैं लेकिन बहुत टाल टाल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है मैंगो, पीपल एंड बनियन। सो इट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।